हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑफिशियल अर्निंग शॉप यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल शेयर करने वाला हूं, आप किस तरीके से नए प्रोसेस के अंदर एनएफटी को परचेज कर पाओगे। आपको सिंपल एक ही काम करना है, वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना है, ताकि जितने भी स्टेप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, आप एक बार कंप्लीट स्टेप्स को देख लोगे, उसके बाद आपको एनएफटी परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। एक बार सिर्फ आपको वीडियो कंप्लीट वॉच करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है एट द एंड, तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और हर ग्रुप के अंदर आपको इस वीडियो को भी शेयर करना है, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोग भी इसके साथ साथ एजुकेट हो पाए। तो अभी मैं बात करता हूँ प्रोसेस के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करना है कि अगर आपने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन नहीं किया है, तो सबसे पहले जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। क्योंकि देखिए, जो भी सबसे बड़ी अपडेट होती है सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिलती है, और इस ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। आप सिंपल जाके सबसे पहले इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो अपडेट है वो टाइम टू टाइम आपको मिलनी चाहिए। अब हम फाइनली बात करते हैं प्रोसेस को लेके, कि प्रोसेस एक्चुअल में कैसे करना है और किन किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। तो सिंपल, आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है, ये सभी आपको काम पहले से ही आते हैं। वॉलेट क्रिएट करना भी आपको आता है, और अपना जो अकाउंट है वो भी क्रिएट करना आता है। अब सिंपल आपको बाय एनएफटी के सेक्शन के ऊपर जाना है, देन उसके बाद आपको मल्टीपल आपको यहाँ पे पैकेज देखने को मिलेंगे। अब फॉर एग्जांपल मुझे एनएफटी बाय करनी है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं टेन्योर का, पेमेंट मेथड का, एड्रेस का और अमाउंट का, और बाय नाउ आपको सिंपल करना है। लेकिन यहाँ पे एक नया ऑप्शन ऐड ऑन हुआ है, वो हुआ है आपका डैप वॉलेट का। बाकी दो ऑप्शन आप यूज़ करते हो, लेकिन अभी तीसरा ऑप्शन जो ऐड ऑन हुआ है डैप वॉलेट का। अब डैप वॉलेट क्या होता है, ये आपका क्रिप्टो वॉलेट होता है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं, जिसके अंदर आप अपनी क्रिप्टो को स्टोर करके रखते हो। 420 वॉलेट ऐसे हैं जिनका यूज़ करके आप एनएफटी को परचेज कर पाओगे। तो सिंपल देखिए, हम मेटामास्क को यूज़ करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ करते हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मेटामास्क को। और मेटामास्क के अंदर आपका यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट होना चाहिए। तो अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो बना रखी है। इस वीडियो का लिंक भी मैं अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले अपना अकाउंट आपको क्रिएट करना है। जैसे ही आप देखिए अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं मेटामास्क वॉलेट के अंदर, तो आपको जो डैशबोर्ड है स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके का शो होता है। अब आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आपको नेटवर्क को सेलेक्ट करना है। अब ये नेटवर्क को सेलेक्ट करने की जो इम्पोर्टेंस है वो इस तरीके की है कि जो ब्लॉकचेन होती है, जो इथेरियम की ब्लॉकचेन होती है, उसके जो ट्रांजेक्शन फीस होती है वो कुछ ज़्यादा ही होती है। लेकिन आपको यहाँ पे जो सेलेक्ट करनी है वो करनी है आपकी BNB चैन कर सकते हो, जिसको हम BSC स्कैन भी बोलते हैं, या BP20 भी आप बोलते हो। तो देखिए, मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे BNB चैन को, क्योंकि इसकी जो नेटवर्क फीस होती है, ट्रांजेक्शन फीस होती है, वो $1 तक यहाँ पे ईजिली हम बियर कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करते ही आपको अपना नेटवर्क सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मेटामास्क का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट क्रिएट किया होगा उसके ऊपर क्लिक करना है, और आपका यहाँ पे देखिए कनेक्ट अकाउंट करने का ऑप्शन आ जाएगा सिंपल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कनेक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ताकि आपकी जो दास ओलिवर्स की वेबसाइट है वो यहाँ पे मेटामास्क के साथ कनेक्ट हो जाए। अब जैसे ही कनेक्ट होती है, तो आपको यहाँ पे नीचे तरफ आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है। जैसे ही हमने देखी अपनी दास ओलिवर्स की वेबसाइट को कनेक्ट किया, तो आपको यहाँ पे नीचे तरफ आपको कनेक्टेड एड्रेस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ही आपकी दास ओलिवर्स की वेबसाइट कनेक्ट हो जाएगी आपके वॉलेट के साथ, जो भी वॉलेट आप कनेक्ट करोगे, तो नीचे आपको कनेक्टेड एड्रेस आपको शो करेगा। अब कनेक्टेड एड्रेस जैसे ही शो करेगा, तो आप जाके मैच भी कर सकते हो अपने मेटामास्क अकाउंट के अंदर जो आपने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे देखिए मैच कर लेता हूँ, देखिए सेम है बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए टीथर के ऊपर आपको यहाँ पे बैलेंस देखने को मिलेगा 3.89 सेंट, यानी मेरे पास अभी $3 समथिंग है। तो जितने भी डॉलर आपके अकाउंट के अंदर होंगे, तो सेम आपको यहाँ पे दास ऑयल वेबसाइट के ऊपर भी आपको शो करेगा कि आपके मेटामास्क अकाउंट के अंदर, वॉलेट के अंदर जो है इतने USDT है। तो मेरे पास कितने USDT है अभी, 3.89 समथिंग मेरे पास USDT है। तो सेम USDT आपको यहाँ भी शो करेगा।
अब आपको सिंपल क्या करना है कि एड्रेस आपको पेस्ट करना है। अब एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कौन सा करना है, जो आप TSU वॉलेट क्रिएट करते हो और जो रिसीविंग एड्रेस आप फिल करते हो, सेम एड्रेस आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। देन उसके बाद आपको अमाउंट डालनी है। अमाउंट डालने के बाद आपको जो यहाँ पे येस के ऊपर क्लिक करना है। जितने भी पैकेज आप बाय करना चाहते हो अमाउंट का, तो उतने ही डॉलर आपके मेटामास्क वॉलेट के अंदर होना कंपलसरी है। तो देखिए, मैं भी यहाँ पे कोई भी अकाउंट परचेज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ कि जितने भी डॉलर आपके मेटामास्क वॉलेट के अंदर होंगे तो सेम आपको वो शो करेंगे। कि हमने सिंपल अकाउंट पेड करने का तो प्रोसेस जान लिया, अब बात आती है कि हमें मेटामास्क वॉलेट के अंदर USDT को किस तरीके से ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल अपने टीथर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए रिसीविंग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब जैसे ही थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो रिसीव वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे देखिए एक एड्रेस देखने को मिलेगा। आपको सिंपल करना है इस एड्रेस को कॉपी। अब आप किसी भी एक्सचेंज को यूज़ करते हो तो सिंपल आपको करना है यहाँ से कॉपी करके आपको उस एक्सचेंज के ऊपर जाना है। जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ बिटमार्ट एक्सचेंज को। अब मैं बिटमार्ट एक्सचेंज के ऊपर पहले USDT बाय करता हूँ, उसके बाद मैं मेटामास्क के अंदर ट्रांसफ़र करता हूँ। अगर आप भी डाउनलोड करना चाहते हो इस एक्सचेंज को, तो इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। आप सिंपल जाके KYC कर सकते हो, 10 मिनट के अंदर इसकी KYC कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे USDT बाय करके रखता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा अपने MetaSolvers अकाउंट के अंदर। तो सिंपल आपको विड्रॉल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एड्रेस के अंदर आपको पेस्ट करना है जो आपने अपने कॉपी करके लेके आए थे वॉलेट से। और यहाँ पे चैन कौन सी यूज़ करनी है, आपको BP20 करने, क्योंकि हमने नेटवर्क में BP20 सेलेक्ट किया था। अब जितनी भी अमाउंट आप ऐड करना चाहते हो यहाँ पर, तो आप यहाँ पे अमाउंट फिल करो, डायरेक्ट विड्रॉल करो। जैसे ही आप विड्रॉल करोगे अमाउंट को, तो सेम अमाउंट आपकी वहाँ पे ऐड हो जाएगी मेटामास्क वॉलेट के अंदर। आप जितने का भी अकाउंट पेड करना चाहते हो, यानी जितने की भी NFT आप परचेज करना चाहते हो, आप सबसे पहले बिटमार्ट एक्सचेंज के ऊपर उतने ही डॉलर परचेज करो। डॉलर बाय करने के बाद आप उन डॉलर को आप अपने मेटामास्क वॉलेट के अंदर इस प्रोसेस के साथ ट्रांसफ़र करो। जैसे आप ट्रांसफ़र करते हो तो आपका बैलेंस मेटामास्क में ऐड हो जाएगा। जैसे ही ऐड होता है तो सेम बैलेंस आपको वेबसाइट के ऊपर भी दिखेगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो सिंपल आप जाके इस तरीके से जो है NFT को बाय कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास अभी भी 3.9 है। अगर आप यहाँ पे $100, $200, $300, whatever जो भी आप यहाँ पे अमाउंट बाय करना चाहते हो, बाय करके आप NFT को परचेज कर सकते हो। देखिए, मैंने आपको सिंपल प्रोसेस में बताया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको जो है डैप वॉलेट का यूज़ करके आपको किस तरीके से आपको NFT बाय करनी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ताकि मैं आपको सॉल्यूशन वहाँ पर प्रोवाइड करा सकूँ। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि इसके बाद आपको लगातार अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। और अगर आप पहली बार आए चैनल के ऊपर, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके रख सकते हो, क्योंकि टाइम टू टाइम अपडेट मैं आपको वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।